योगी को दिल्ली तलब किया गया है। बीते कुछ दिनों से बीजेपी के दलित नेता उनसे खासे नाराज चल रहे हैं और उन्होंने यूपी की भूमिका पर सवाल उठाते हुए पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है, जिसको पीएम मोदी ने बहुत गंभीरता से लिया है और योगी को दिल्ली बुला लिया है। बेशक सीएम योगी आदित्यनाथ ने दलितों के उत्पीड़न के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। दरअसल SC ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पार्टी के एक के बाद एक यूपी के चार बीजेपी दलित सांसदों की नाराजगी पीएम मोदी के लिए भी सिरदर्द बन गई है। ऐसा माना जा रहा है कि पीएम मोदी ने योगी आदित्यनाथ को साफ तौर से कहा है कि इस मामले को जल्द से जल्द सुलझा लिया जाए। साथ ही इस बात की हिदायत भी दी है कि जरूरत पड़े तो नाराज सांसदों से पार्टी बैठकर बात करे और इसकी समस्या का समाधान किया जाए। इस मुलाकात के बाद यह भी संभावना जताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश में सरकार और पार्टी में बड़े फेरबदल हो सकते हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ के बीच करीब एक घंटा बैठक चली। इसमें आगामी विधान परिषद के चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। गौरतलब है कि पिछले दिनों सावित्रीबाई फुले, छोटे लाल, इटावा के सांसद अशोक कुमार, नगीना के यशवंत सिंह ने दलितों के मसले पर राज्य और केंद्र सरकार की भूमिका पर सवाल उठाते हुए पीएम मोदी को खत लिखे थे। NMF न्यूज की रिपोर्ट।